वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिखा सिंह। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिन्हें मेरी तरह बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है, लाइक पिंपल्स और एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो गाइज, कुछ लड़कियों ने मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे पूछा था कि प्लीज कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिससे मेरे पिंपल्स कम हो जाए, और पिंपल जाने के बाद जो फेस पे निशान रह जाते हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो गर्ल्स, मैं आज आपके लिए उस पिंपल का सॉल्यूशन लेके आ गई हूँ। तो गाइज, आज का जो वीडियो है उसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ नायका का टी ट्री एसेंशियल ऑयल का रिव्यू। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साइड में जो बेल आइकन है उसे हिट करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई यूजफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम पर मेरी वीडियो को देख सकें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से शायद किसी लड़की की हेल्प हो सकती है, मैं एक लड़की के को कह रही हूँ दूसरी लड़की के लिए, अगर उन्हें लगता है कि इस वीडियो से उनको हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज़ आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, शायद इस वीडियो से आपको और उन लड़कियों को हेल्प मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस एसेंशियल ऑयल के बारे में बात करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इस ऑयल को यूज़ करने के बाद का। तो गाइज़, मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि जब मैं इसको यूज़ नहीं करती थी उससे पहले मेरे फेस पे इतना ज़्यादा पिंपल हो गया था, लाइक बहुत ज़्यादा। तो मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है, तो मुझे थोड़ा लगता था कि यार मैं क्या यूज़ करूँ, क्या ऐसी चीज़ें यूज़ करूँ जिससे मेरी मेरे पिंपल्स कम हो जाए। पिंपल आने के बाद फेस कितना अजीब सा लगने लगता है। तो अभी भी देख रहे हो आप मेरे फेस पे एक छोटा सा पिंपल है इस साइड पे, तो कल तक ये बहुत ज़्यादा बड़ा था लेकिन आज तो बहुत छोटा हो गया। खाओ, मैं वीडियो बनाने के लायक रह गई तो मैंने इसलिए वीडियो बना लिया। तो गाइज़, मैं मेरा एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहती हूँ, लाइक मुझे ये ऑयल यूज़ करते हुए 2 मंथ्स हो गए हैं, उसके बाद मैं आप लोग को ये रिव्यू देने आई, इस ऑयल का रिव्यू देने आई हूँ। गाइज़, ये ऑयल सचमुच ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लाइक जब मैं इसको यूज़ नहीं करती थी तब मैं सोचती थी कि पता नहीं यार कैसा होगा, तो मैंने बहुत यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसका रिव्यू देखा कि ये कैसा है कैसा नहीं है। फिर मैंने बहुत सोचा समझा, तब मैंने सोचा कि यार चलो अब इसको मैं भी मंगा के देख लेती हूँ, शायद ये मेरे स्किन पर काम कर जाए। तो सच में ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छा वर्क किया, मुझे बहुत अच्छा लगा यार इसको यूज़ करके। मेरे फेस पे जो पिंपल्स थे, ये तो एक पिंपल दिख रहा, उस जब मैं इसको यूज़ नहीं करती थी उस टाइम मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने इसको फाइनली नायका से मंगा लिया। तो मैंने इसको नायका से 350 रुपीज़ में परचेज़ किया है। पैकेजिंग की बात करते हैं, ये कुछ इस तरह के ग्रीन कलर के बॉक्स में आता है, और इसके साइड में यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि ये किस किस चीज़ों के लिए यूज़फुल है। ये हमारे पिम्पल्स को और एक्ने को रिमूव करता है, हमारे बालों से डैंड्रफ को रिमूव करता है, और हमारे फेस पे जो ऑयल होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। तो गाइज़, मैं ये भी बता दूँ, ये ऑयल ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी इसका रिव्यू देखा, यूट्यूब पे, गूगल पे, जहाँ भी रिव्यू मैंने इसका देखा, वहाँ पे मुझे ये पता चला कि ये ऑयल ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छा यूज़फुल रहता है। तो गाइज़, ये जो ऑयल है वो कुछ इस तरह के बॉटल में आता है, ग्लास बॉटल में, ब्लू कलर के, और इसके साथ में ये ड्रॉपर आता है, ये इस तरह का ड्रॉपर रहता है इसके साथ। इसमें से हम जितना ऑयल लेना चाहते हैं हम इसको अपने हाथ पे इससे ले सकते हैं, इससे हमारा जो ऑयल है वो गलती से वेस्ट भी नहीं होता है थोड़ा सा भी। तो गाइज, मैं ये भी बता दूं, कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ, लाइक ये जो ऑयल है इसको कभी भी लें आप तो 100% प्योर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ब्रांड का लें, आप किसी भी ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि वो प्योर हो 100%। और मैं ये भी बता दूं कि इस ऑयल को कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई ना करें, इसे हमेशा अपने मॉइस्चराइजर के साथ या जेल के साथ या जो भी ऑयल आप यूज करते हो उसमें ये आप मिला के ही यूज करें, अपने फेस पे लगाएं, और हमेशा इस ऑयल का एक से दो ही ड्रॉप लें, क्योंकि ये जो ऑयल होता है 100% एसेंशियल ऑयल जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर इसे हम अपने फेस पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे फेस पे रेडनेस आ सकती है और थोड़ी जलन हो सकती है, जैसे आप कभी भी बाम वगैरह अगर लगा लो तो जैसे थोड़ी बहुत जो जलन होती है वैसा ही जलन
सूजन हो सकता है, इसीलिए हमेशा एक दो या तीन ड्रॉप से ज़्यादा इसको यूज़ ना करें। डैंड्रफ प्रॉब्लम है, जिसके बालों में ज़्यादा डैंड्रफ है तो वो भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। इस ऑयल को वो या तो वो अपने शैम्पू में, शैम्पू के टाइम करने के टाइम अपने शैम्पू में इसके दो तीन ड्रॉप डाल लें, या तो अगर वो अपने बालों में जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं उसमें दो तीन ड्रॉप डाल के उस ऑयल में मिक्स करके ये अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे उनके बाल में जो डैंड्रफ है वो भी बहुत कम होगा और हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। मैंने भी इसे अपने हेयर पे यूज़ किया और सच में ये बहुत अच्छा, मतलब लगाने के बाद बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इस ऑयल को यूज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना था, मैंने बहुत जगह पढ़ा, मैंने देखा कि ये ऑयल यूज़ करने के बाद फेस पे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, इचनेस होने लगती है, लेकिन सच बता रही हूँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस ऑयल ने मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया। मेरे मतलब मुझे बहुत मतलब विश्वास ही नहीं हुआ था कि मेरे फेस से पिंपल जाने लग गए और फिर पिंपल्स के जो स्पॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए और धीरे धीरे वो बिल्कुल चले गए। तो गाइस मैं ये आगे की वीडियो में ये भी बताने जा रही हूँ कि मैं अपने डेली स्किन केयर रूटीन में इस ऑयल को किस तरह के तरह से यूज़ करती हूँ, तो आप आगे वीडियो देखो, आप भी उसी तरीके से चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वरना आप जहाँ से भी देखना चाहो यूट्यूब गूगल पे बहुत तरीके से बताता है कि आप इस ऑयल को किस तरीके से और किस चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हो। मैं जिस तरह से यूज़ करती हूँ मैं आगे की वीडियो में आपको बता दे रही हूँ। तो गाइस दो महीने से मैं डेली इस ऑयल को अपने मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करती हूँ। मैं इसे अपने मॉइस्चराइज़र में दो ड्रॉप ही यूज़ करती हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि दो या तीन ड्रॉप से ज़्यादा इस ऑयल को मत यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शायद इससे आपके फेस पर थोड़ी सी रेडनेस आ जाए और खुजली वगैरह होने लग जाए, तो मैं वो नहीं चाहूँगी। और मैं ये भी बता दूँ, अगर आप कोई फेस सीरम वगैरह यूज़ करते हैं तो पहले सीरम लगा लें, उसके बाद 15 मिनट बाद ही ये ऑयल जिसके साथ आप लगाना चाहते हो उसके साथ मिलाकर लगा लें। जब से मैंने ये ऑयल यूज़ करना शुरू किया है मैंने कोई भी फेस सीरम वगैरह लगाना छोड़ दिया है इस वक्त। तो इसी तरह मैं अपने मॉइस्चराइज़र के साथ इस ऑयल को मिलाकर अपने फेस पर मसाज कर लेती हूँ। मैं इसे दिन में दो बार यूज़ करती हूँ, एक बार दिन के टाइम और एक बार रात में सोने के टाइम, सोने से पहले। ये टी ट्री ऑयल है तो इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिंस की जैसे स्मेल होती है, ये बिल्कुल उसी की तरह है। मैं ये भी बता दूं कि इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 10 ml है और इसकी शेल्फ़ लाइफ 3 ईयर्स की है। इसे मैंने 350 rupees में परचेज़ किया है। तो इसी तरह मैं अपने पूरे फेस पे इस ऑयल से मसाज कर लेती हूँ। जब मैंने अपना ये ऑयल यूज़ किया और उसके बाद जब मुझे अपने फेस पे रिजल्ट दिखा तो आई वाज लाइक वाव यार, मतलब मेरे सारे पिंपल्स चले गए और मेरे फेस पे मतलब ग्लो सा आने लगा और उसके बाद जो मेरे पिंपल्स जाने के बाद जो निशान रहते थे वो भी चले गए। तो गाइस मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रख के यूज़ करिएगा, इसलिए क्योंकि अगर आप सोचें कि मैंने आज यूज़ किया एक दो दिन बाद इसका रिजल्ट दिखने लग जाए तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वक्त लेगा लेकिन ये ऑयल अपना असर जरूर दिखाएगा। इस वीडियो में मैं 100% ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ इस ऑयल का, जो मुझे फ़र्क इस ऑयल को यूज़ करने के बाद दिखा। मैं इस ऑयल को दो महीने से यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस ऑयल को यूज़ करने के बाद कैसा रहा है। तो गाइज़ इस ऑयल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप इजीली वहां पर जाके उस लिंक पे जाकर परचेज कर सकते हैं। गाइज होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, जो भी कंफ्यूजन आपको इस ऑयल को लेके हो वो क्लियर हो चुका हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको इस ऑयल से रिलेटेड कोई भी बातें मुझसे पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।